जैसे लोगों की धपन में मुंबई में हिंदी फिल्म सरकार सारी पहला लॉन्च किया गया। फिल्म के स्टार कास्ट दीपक डोबरिया मैं कहता हूँ जीवन तक पहुँचना है तो वहाँ चुका फिल्म में सरकार सारी व्यवस्था क्या उनके लिए लगे। इनका कोलकाता में शूट होने की वजह से वह ट्रेलर लॉन्च में नहीं पहुँच सकी। फिल्म में नजर आएंगे कॉमन मैन की बीजेपी के अध्यक्ष शरद पवार मुंबई लौट आई और एक लोग हो जाता है। साथ ही दोनों अभिनेता ने अपनी अपनी ऐसे कुछ बातें शेयर किए जहां उन्हें कहना पड़ा आई डिड नॉट डू पॉलिटिकल एक आम आदमी के बारे में भी है और एक चीफ मिनिस्टर के बारे में भी है। दोनों के नजरिए से इस दुनिया को देखती है। मैं उस जो चीफ मिनिस्टर है वरुण चड्ढा उसका रोल निभाता हूं और जो कॉमन आदमी है जो दीपक डोबरियाल भाई जो किरदार निभा रहे हैं उनके दिमाग में ये सीएम के प्रति काफी चीजें हैं कि उन्होंने कई जो पॉलिसी किए हैं या नहीं किए हैं और शुरुआत में ही एक खून होता है और दीपक के नाम वो खून होता है कि उसने किया है या नहीं किया है। सो इट्स अ पॉलिटिकल थ्रिलर काफी इंटरेस्टिंग है काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द कैरेक्टर वरुण चड्ढा चीफ मिनिस्टर जो मैंने किया है। कुलदीप पटवाल एक आम आदमी की कहानी है और एक आम आदमी जो सोसाइटी में बेरोजगारी से गुजर रहा है गरीबी से गुजर रहा है करप्शन से गुजर रहा है और प्लस राजनेताओं की जो थोड़ी सी वही करप्शन उससे गुजर रहा है और उससे पीड़ित है तो वो क्या करता है क्या स्टेप उठाता है तो एक आम आदमी का नाम है ये एक आम आदमी का नाम है। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ टाइटल के बारे में। जैसे ट्रेलर में आप देखेंगे कि कुलदीप पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो उसने किसी को मारा है सीएम को मारा है तो ये तो आपको पहले से ही मालूम है कि मतलब कुलदीप पटवाल पे ये आरोप है उसको अरेस्ट किया जाता है कि उसने सीएम को मारा है तो ये बहुत लिटरल भी है ये टाइटल की पहले से हम लोग बता देते हैं कि हाँ इसने ये क्यों हुआ है लेकिन कुलदीप बोल रहा है कि मैंने नहीं किया। सो एक तरह से फिर वो इंटरेस्ट भी की ठीक है मतलब ट्रेलर में दिखा रहे हैं कि इसने किया ये अरेस्ट हो जाता है पुलिस से लेकिन ये बोल रहा है कि इसने नहीं किया। सो ट्रेलर इज ऑल्सो प्ले ऑन दैट कि मतलब ठीक है इसने ये बोल रहा है कि नहीं किया तो फिर आगे की कहानी क्या है। सो बेसिकली वो बस इन्वॉल्व थे और यार मैं भी आम आदमी हूँ आज तक भी आम आदमी समझता हूँ कोई वो वाला फील नहीं है सेलिब्रिटी टाइप का कि दो फिल्में पहचान ली या वो हो गया आम आदमी हूँ मैं भी है ना थोड़े से कपड़े अच्छे पहन लेता हूँ एक दो एक गाड़ी है ना तो रहन सहन थोड़ा सा अच्छा हो गया है लेकिन सोच आम आदमी वाली ही है। हमने बहुत सारे स्ट्रीट प्लेस किए नाटक किए हैं मजदूरों के लिए महिलाओं के लिए शोषित वर्गों के लिए दिल्ली में तो वही मानसिकता है और चाहते हैं कि सोसाइटी से जुड़े हुए या जो दबे कुचले जो वर्ग हैं उनसे उनके लिए अगर आप कुछ कर सकें अपने आर्ट के माध्यम से तो एक मीडियम और मिल गया आर्ट का तो इसके जरिए वो